हेलो दोस्तों, एम के अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ जयपुर मेट्रो की जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स की आंसर की। यानी कि दोस्तों, जो जयपुर मेट्रो है उसने हाल ही में जो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स है उसका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया था। और दोस्तों, अब इसकी जो फाइनल आंसर की है वो भी उसने जारी कर दी है। तो दोस्तों, ये जो आंसर की है वो अभ्यर्थी अपनी जो आईडी है उसे लॉगिन करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर दोस्तों कोई अभ्यर्थी अपनी आंसर की को जो है लॉगिन करके डाउनलोड करता है तो उसने जो पेपर एग्जाम में दिया था उसी तरह का जो उसका पेपर है वो उसके डाउनलोड होगा। तो दोस्तों, जयपुर मेट्रो ने ये जो है फाइनल आंसर की जारी कर दी है और दोस्तों इसका जो रिजल्ट है वो भी जारी कर दिया है। वहीं दोस्तों, रिजल्ट के साथ में जेएमआरसी ने जो वेटिंग लिस्ट है वो भी जारी कर दी है। तो दोस्तों, जयपुर मेट्रो की इस जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स की जो आंसर की है उसमें लगभग 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें दोस्तों टेक्निकल का पार्ट आएगा, हिंदी के कुछ क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, साथ में मैथ के क्वेश्चन और अंग्रेजी के जो क्वेश्चन है वो भी आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं जयपुर मेट्रो की जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स की फाइनल आंसर की। तो दोस्तों, ये जो फाइनल आंसर की है इसका जो पहला क्वेश्चन है वो टेक्निकल का आएगा, यानी कि दोस्तों इसमें जो पहला सेक्शन है वो टेक्निकल के पार्ट का आएगा। और दोस्तों, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है डायोड के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। तो दोस्तों, इसमें चार ऑप्शन है, उनमें से जो तीन ऑप्शन है वो डायोड से संबंधित है और जो एक ऑप्शन है वो क्या है, गलत है। तो दोस्तों, इसमें जो गलत है वो कौन सा है, वो है यह एक थ्री टर्मिनल वाला उपकरण है। यानी कि दोस्तों, जो डायोड है वह थ्री टर्मिनल वाला उपकरण नहीं होता, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ये होगा। और दोस्तों, ये जो आंसर है वो जयपुर मेट्रो ने एकदम राइट माने हैं, इसीलिए दोस्तों ये जो है फाइनल आंसर की उसने जारी की है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट और किलो जूल ऊर्जा मापन की इकाइयां हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प इन दो इकाइयों के बीच के रूपांतरण गुणक यानी कि कन्वर्जन फैक्टर को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो आएगा 1.6 × 10²-22। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें डायोड सरलतम अर्धचालक उपकरण है, तो डायोड के संदर्भ में एलईडी में एल का क्या अभिप्राय है, यानी कि दोस्तों एल का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, वो होता है लाइट, यानी कि दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म है वो है लाइट एमिटिंग डायोड। तो इसीलिए दोस्तों एल का जो नाम है वो होगा लाइट। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें एक बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर यानी कि बीजेटी में तीन भिन्न अप मिश्रित डोप्ड अर्धचालक क्षेत्र होते हैं, तो निम्न में से कौन सा बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर यानी कि बीजेटी का एक क्षेत्र नहीं है। तो दोस्तों, आंसर आएगा इसमें रिफ्लेक्टर, यानी कि दोस्तों जो रिफ्लेक्टर होता है वो बीजेटी का क्या है, एक अंग नहीं है, बल्कि एमिटर बेस और जो कलेक्टर होता है वो बीजेटी में होता है, यानी कि बाइनरी जंक्शन ट्रांजिस्टर में होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें एफईटी एक उपकरण है और बीजेटी एक उपकरण है, तो दोस्तों क्या है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो होगा एक ध्रुवीय और द्विध्रुवीय, यानी कि दोस्तों जो एफईटी यानी कि जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है वह एक ध्रुवीय उपकरण है, और वहीं जो बीजेटी यानी कि बाइनरी जंक्शन ट्रांजिस्टर है वह एक द्विध्रुवीय क्या होता है, उपकरण होता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर यानी कि एफईटी अभिलक्षण वक्र यानी कि करेक्टरिस्टिक कर्व पर मौजूद एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ वोल्टेज में बदलाव की वजह से धारा में रैखिक अनुक्रिया होती है। तो दोस्तों, क्या होगा यहाँ पे, तो दोस्तों आंसर आएगा ओमीय क्षेत्र, जिसे हम ओमिक रीजन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर यानी कि बीजेटी विभिन्न विन्यासों यानी कि कॉन्फ़िगरेशन में कार्य करता है, तो नीचे दी गई आकृति में बीजेटी का कौन सा मूल विन्यास कॉन्फ़िगरेशन दर्शाया गया है। तो दोस्तों, इसमें कौन सा जो है मूल विन्यास दर्शाया गया है, वो दर्शाया गया है दोस्तों इसमें कॉमन एमिटर। वहीं अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें निम्न में से कौन सी शर्त को संतुष्ट करने पर सिग्नल को समगुण यानी कि इवन माना जाता है। तो दोस्तों, आंसर आएगा इसका x कोष्टक t बराबर x कोष्टक माइनस t कोष्टक। तो दोस्तों, ये जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सीसी मोड में एक ट्रांजिस्टर की धारा लब्धि यानी कि करंट गेन 100 है, तो सीबी मोड में इसकी धारा लब्धि यानी कि करंट गेन क्या होगा। तो दोस्तों, सीसी का मतलब है कॉमन कलेक्टर, और वहीं दोस्तों सीबी का मतलब है कॉमन बेस। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा 0.99। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें एक पी प्रकार के पदार्थ में फर्मी लेवल संयोजी बैंड यानी कि जिसे हम वैलेंसी बैंड भी कहते हैं, तो इससे 0.4 इलेक्ट्रोवोल्ट ऊपर है, ग्राही परमाणुओं के सांद्रण में 4 के गुणक में वृद्धि की जाती है। तो अब फर्मी लेवल की नई स्थिति क्या होगी। तो दोस्तों, इसमें जो फर्मी लेवल की नई स्थिति है वो होगी संयोजी बैंड से लगभग 0.38 इलेक्ट्रोवोल्ट ऊपर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें एक एलईडी की रेटिंग 4 वोल्ट और 10 मिली एम्पियर है, तो इसे 8 वोल्ट बैटरी के साथ में उपयोग किया जाता है, तो इसकी प्रयुक्त श्रेणी प्रतिरोध की रेंज क्या होगी। तो दोस्तों, इसकी जो श्रेणी की जो प्रतिरोध रेंज है वो होगी लगभग 400 ओम या फिर 400 ओम से अधिक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 20 फेरों वाली एक एकल परत परिनालिका यानी कि सिंगल लेयर सोलिनॉइड का प्रेरकत्व 10 माइक्रो हेनरी है, तो जब फेरों की संख्या को बढ़ाकर 40 और लंबाई को दोगुना कर दिया जाता है तो प्रेरकत्व का सही मान क्या होगा। तो दोस्तों, आंसर आएगा इसका 20 माइक्रो हेनरी।
अब दोस्तों इसका जो 13वां क्वेश्चन है, तो दोस्तों जो 13वां क्वेश्चन है उसमें क्या कर दिया है, जो जेएमआरसी है यानी कि जो जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है, उसने दोस्तों इस क्वेश्चन का जो है कोई आंसर नहीं माना है, इसीलिए इसमें क्या कर दिया है, सभी को जो है बोनस अंक दे दिया है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें सिग्नल को उसके मूल रूप से एक तरंग रूप में रूपांतरित करता है जिसे वोल्टेज धारा या विद्युत चुंबकीय तरंग रूप के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो दोस्तों वो उपकरण कौन सा है, तो दोस्तों वो होगा ट्रांसड्यूसर, यानी कि दोस्तों जो ट्रांसड्यूसर होता है वह सिग्नल को उसके मूल रूप से एक तरंग के रूप में क्या करता है, रूपांतरित करता है, फिर उसी तरंग को वोल्टेज धारा या विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आरसी फेज शिफ्ट ओसिलेटर में 3 आरसी लीड नेटवर्क को यानी कि आरसी लीड नेटवर्क्स का फुल फेज शिफ्ट कितना होगा, तो दोस्तों वो होगा 180 डिग्री यानी कि 180 डिग्री। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें यदि एकल चरण एकल समस्वरित प्रवर्धक यानी कि सिंगल स्टेज सिंगल ट्यून्ड एम्पलीफायर के गुणता कार्य के क्वालिटी फैक्टर यानी कि क्यू को चौगुना किया जाता है, तो बैंडविड्थ पर क्या प्रभाव होगा, तो दोस्तों वह 1/4 हो जाएगा, यानी कि इसका जो बैंडविड्थ है वो 1/4 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो 17वां क्वेश्चन है, और दोस्तों इस क्वेश्चन में जो जेएमआरसी है उसने सभी कैंडिडेट्स को जो है बोनस मार्क दे दिया है, तो दोस्तों एक 13वें क्वेश्चन में एक और एक 17वें क्वेश्चन में, दोनों क्वेश्चनों में क्या कर दिया है, जेएमआरसी ने सभी स्टूडेंट्स को जो है बोनस अंक दिया है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें माइक्रोवेव पावर मीटर एक ऐसा मापयंत्र है जो विद्युत शक्ति को सामान्यतः श्रेणी की माइक्रोवेव आवृत्तियों पर मापता है, तो किस श्रेणी की माइक्रोवेव आवृत्ति पर मापता है, तो दोस्तों वो है 100 MHz से 40 GHz। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें फाइबर ऑप्टिक माध्यम यानी कि एक नवीनतम आधुनिक तकनीक है जिसका उपयोग अपेक्षाकृत लंबी दूरी पर बड़ी मात्रा में डेटा संचारित करने के लिए किया जाता है, तो निम्न में से कौन सा फाइबर ऑप्टिक्स के माध्यम से डेटा संचारित करने के लिए प्रयुक्त लोकप्रिय डिजिटल संचार प्रोटोकॉल है, तो दोस्तों आंसर आएगा सोनेट, यानी कि दोस्तों जो सोनेट एक ऐसा डिजिटल संचार प्रोटोकॉल है जो फाइबर ऑप्टिक माध्यम में प्रयोग किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह संचार की तुलना में स्थूलीय सूक्ष्म तरंगों यानी कि टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव का एक लाभ नहीं है, तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो होगा उच्च क्षीणन यानी कि हाई एटेन्यूएशन। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें बाइनरी संख्या का दशमलव मान क्या होगा, तो दोस्तों यह एक बाइनरी संख्या है तो इसका जो दशमलव मान है वो होगा 14। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा अर्धचालक मेमोरी का एक उदाहरण है, तो दोस्तों आंसर आएगा रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो दोस्तों ये जो है एक अर्धचालक मेमोरी होती है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक अनंत लंबाई के सीधे फिलामेंट की वजह से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के सदिश यानी कि वेक्टर की दिशा क्या होगी, तो दोस्तों वेक्टर की जो दिशा है वो होगी परिधीय जिसे हम सर्कमफेरेंटियल भी कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक मल्टीमीटरों का उपयोग कई विद्युतीय मापदंडों को मापने के लिए किया जा सकता है, लेकिन निम्न में से किस मापदंड को मल्टीमीटर का उपयोग करके नहीं मापा जाता, तो दोस्तों आंसर है विद्युत दाब को, यानी कि दोस्तों जो विद्युत दाब होता है उसे मल्टीमीटर की सहायता से नहीं मापा जाता, और जो वोल्टेज विद्युत धारा और जो प्रतिरोध होता है उन तीनों को मल्टीमीटर की सहायता से मापा जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें रहमान अपने बैठक कक्ष में टीवी पर एक वेब सीरीज देख रहा है, तो वह एयर कंडीशनर को ऑन करने के लिए रिमोट कंट्रोल का उपयोग करता है, वह 26 डिग्री का तापमान सेट करता है, तभी डोरबेल बजती है और रहमान के लिए एक पत्र आता है, वह रसोई में लगे हुए सीसीटीवी पर डाकियों को देख सकता है, लेकिन निम्न में से कौन सा दूर संचार प्रणाली का मूल भाग नहीं है, तो दोस्तों आंसर है पत्र, यानी कि दोस्तों जो दूर संचार प्रणाली का एक जो मूल भाग नहीं है वो है पत्र, जो टीवी यानी कि जो टेलीविजन होता है और जो रिमोट कंट्रोल होता है और जो सीसीटीवी होता है, ये तीनों क्या है दोस्तों, यह एक दूर संचार प्रणाली के उदाहरण है, यानी कि इन तीनों के माध्यम से जो है दूर से ही जो है संचार स्थापित किया जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सदिशों a बराबर i प्लस 3j माइनस 2k और b बराबर 5i माइनस 3k का सदिश गुणनफल यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, तो दोस्तों इसका जो सदिश गुणनफल है वो होगा -9i माइनस 7j माइनस 15k। अब दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है यानी कि जो 27वां क्वेश्चन है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में भी क्या कर दिया है, जेएमआरसी ने सभी कैंडिडेट को जो है बोनस अंक दे दिया है, तो दोस्तों एक जो 13वें क्वेश्चन में, एक 17वें क्वेश्चन में और एक 27वें क्वेश्चन में, तो दोस्तों इन तीनों क्वेश्चनों में अब तक जो है जेएमआरसी ने सभी कैंडिडेट्स को जो है बोनस अंक दे दिया है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें किसी दशमलव संख्या को उसके बाइनरी समकक्ष में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त रिकर्सिव इम्प्लीमेंटेशन नीचे दिया गया है, यानी कि दोस्तों कोई दशमलव संख्या है उसे बाइनरी में बदलने के लिए जो है इसमें एक जो फॉर्मूला है वो बता दिया गया है, और दोस्तों इसके बारे में पूछा है इसमें कि प्रोग्राम को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सी कोड पंक्ति को प्रोग्राम में शामिल किया जाना चाहिए, तो दोस्तों इसमें जो कोड पंक्ति काम में आएगी वो आएगी सी।
अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें एनवा फाइबोनेंशियल पद प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त कोड स्निपेट नीचे दिया गया है। तो दोस्तों इसमें जो है कोड दे दिया गया है और दोस्तों सवाल है इसमें उपयुक्त विकल्प का चयन करके उपरोक्त कोड को पूरा करें। तो दोस्तों इसमें जो है चार ऑप्शन दिए गए हैं और उसके आधार पर जो इसका जो राइट आंसर है वो होगा सी, यानी कि इस कोड से ही जो है इस पंक्ति को जो है पूरा किया जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें प्रकाश का OAM एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा डेटा को सर्पिल रूप में मोड़ी गई प्रकाश तरंगों पर संचारित किया जाता है ताकि ऑप्टिक केबल की क्षमता को और अधिक बढ़ाया जा सके। तो दोस्तों वो कौन सी प्रणाली है? तो दोस्तों आंसर है कक्षीय कोणीय संवेग। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें मापन यंत्र यानी कि एमीटर का नाम किस शब्द से लिया गया था? तो दोस्तों आंसर है एम्पियर मीटर, यानी कि दोस्तों एमीटर का जो नाम है वो एम्पियर मीटर से पड़ा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी भी परिपथ आरेख में एमीटर को सामान्यतः अंग्रेजी भाषा की किस अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है? तो दोस्तों आंसर है ए, यानी कि दोस्तों जो एमीटर होता है उसे जो है अंग्रेजी भाषा के ए अक्षर के द्वारा दर्शाया जाता है और जो वोल्टमीटर होता है उसे वी के द्वारा दर्शाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें शक्ति गुणों को पीएफ मानते हुए किलो वोल्ट एम्पियर केवीए में प्रदर्शित आभासी शक्ति को वाट यानी कि डब्ल्यू में प्रदर्शित की जा सकने वाली वास्तविक शक्ति में रूपांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला सही सूत्र क्या है? तो दोस्तों आंसर आएगा इसका डब्ल्यू बराबर 1000 इंटू के वी ए इंटू पी एफ, यानी कि दोस्तों किलो वोल्ट एम्पियर में प्रदर्शित ऊर्जा को वाट में बदलने के लिए जो है इस फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में जो है कथन और जो निष्कर्ष है उसकी तरह इसमें जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि सारा अपने बच्चे के लिए दूध गर्म करना चाहती थी लेकिन उसने माइक्रोवेव ओवन ऑन कर दिया, लेकिन वह उसमें दूध रखना भूल गई, उसने तुरंत माइक्रोवेव ओवन को बंद कर दिया यानी कि ऑफ कर दिया। तो दोस्तों इसका अभिकथन है, हमें कभी भी माइक्रोवेव यानी कि जो खाली माइक्रोवेव ओवन होता है उसे चालू नहीं रखना चाहिए यानी कि संचालित नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इसका कारण क्या है? जब माइक्रोवेव किसी खाद्य वस्तु को अंदर रखे बिना चलाया जाता है या यदि किसी वस्तु में पानी के अणु नहीं होते हैं तो मशीन में मौजूद सूक्ष्म तरंगे मैग्नेट्रॉन की ओर पुनर्दिशित हो जाएंगी। जब मैग्नेट्रॉन स्वयं द्वारा उत्पादित सभी सूक्ष्म तरंगों को अवशित करने लगती है तो यह शर्तिगत हो सकता है, यानी कि दोस्तों वो क्या हो सकता है? जल सकता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो होगा अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं, यानी कि दोस्तों अभिकथन भी राइट है और जिसका कारण है वो भी राइट है और दिया गया कारण अभिकथन को सही ढंग से परिभाषित करता है, यानी कि दोस्तों ये जो कारण है वो क्या करता है? इस अभिकथन को एकदम जो है सही परिभाषित करता है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें रेडियो तरंगों की तुलना में सूक्ष्म तरंगों के अनेक लाभ है लेकिन निम्न में से कौन सा सूक्ष्म तरंगों का लाभ नहीं है? तो दोस्तों आंसर है उच्च क्षीणन, यानी कि जो हाई अटेन्यूएशन होता है वह सूक्ष्म तरंगों का लाभ नहीं होता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें निम्न में से कौन सा सदिश गुणनफल का अनुप्रयोग नहीं है? तो दोस्तों आंसर है एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करने के लिए सदिश गुणनफल का उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों ये जो है एक सदिश गुणनफल का अनुप्रयोग नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आधुनिक मल्टीमीटरों का उपयोग कई विद्युत मापदंडों के मापन के लिए किया जा सकता है, तो निम्नलिखित का मिलान करें। तो दोस्तों इस सारणी को क्या करना है? अपन को मिलान करना है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो होगा सी, यानी कि जो वोल्टेज है उसकी जो इकाई है वो क्या है? वो है वोल्टेज। वही दोस्तों जो धारा है उसकी जो इकाई है वो क्या है? वो है एम्पियर, यानी कि दोस्तों धारा की इकाई एम्पियर है। तो वहीं दोस्तों जो प्रतिरोध है उसकी जो इकाई है वो क्या है? ओम। इसके अलावा दोस्तों जैसे आवर्ती है तो जो आवर्ती है आवर्ती की जो इकाई है दोस्तों वो होगी हर्ट्ज। इसके अलावा जैसे धारिता है तो दोस्तों धारिता की जो इकाई है वो होगी फैराडे। जो और जो प्रेरकत्व है दोस्तों उसकी हेनरी इकाई होगी। तो दोस्तों ये इस तरफ जो है मापदंड दिए गए हैं और इस तरफ इकाइयाँ दी गई है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें स्वीप जनरेटर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण उपकरण है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर परिपथों की आवर्ती अनुक्रिया का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन है एक सतत सिग्नल है यानी कि क्या है जिसके आवर्ती समय के साथ लघु गणकीय रूप से बढ़ती या घटती है? तो दोस्तों वो है ग्लाइड स्वीप, यानी कि दोस्तों जो ग्लाइड स्वीप होता है वह एक सतत सिग्नल है जिसकी आवृत्ति क्या करती है? समय के साथ में लघु गणकीय रूप से या तो बढ़ती है या फिर घटती है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किसी सूचना को निरूपित करने की मूलभूत मात्रा को सिग्नल कहा जाता है, तो निम्न में से कौन सा सिग्नल का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों आंसर आएगा छोटे एवं बड़े सिग्नल, यानी कि दोस्तों यह एक प्रकार के सिग्नल नहीं है बल्कि जो सम और विषम सिग्नल, आवर्ती और अनावर्ती सिग्नल और सतत और असतत जो सिग्नल होते हैं वह तीनों क्या है? सिग्नल के प्रकार हैं, लेकिन ये क्या है? सिग्नल का प्रकार नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 2 वोल्ट के फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप वाले एक LED को 5 वोल्ट की स्थिरीकृत DC विद्युत आपूर्ति से संयोजित किया जाता है, तो उपरोक्त परिपथ का उपयोग करके अगर धारा को 10 mA से कम पर सीमित करने के लिए आवश्यक श्रेणी प्रतिरोध के मान की गणना करें। इसके अलावा यदि पहली गणना से प्राप्त प्रतिरोध के स्थान पर 100 ओम के श्रेणी प्रतिरोध का उपयोग किया जाए
तो डायोड से प्रवाहित होने वाली धारा की गणना करें। तो दोस्तों इसमें जो डायोड की जो प्रवाहित होने वाली जो धारा है वो होगी 300 ओम और 30 मिली एम्पियर। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसके टर्मिनलों के बीच शून्य वोल्टेज होने पर यह पूर्ण चालक के रूप में कार्य करता है और इसी तरह जब इसे पश्च अभिनत किया जाता है तो यह स्वयं से होने वाले धारा प्रवाह को रोककर पूर्ण विद्युत रोधी के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों वो होगा आदर्श डायोड, यानी कि दोस्तों यहाँ पे आएगा आदर्श डायोड। और दोस्तों जब आदर्श डायोड के टर्मिनलों के बीच में शून्य वोल्टेज हो जाती है तो यह पूर्ण चालक के रूप में कार्य करने लगता है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें फाइबर ऑप्टिक संचार की प्रक्रिया में निम्न मूलभूत चरण शामिल है, तो इन्हें परिचालन के सही क्रम में व्यवस्थित करें। यानी कि दोस्तों जो फाइबर ऑप्टिक संचार की जो प्रक्रिया है उसमें कुछ चरण शामिल है, तो दोस्तों उसके कुछ नियम हैं जो कंटिन्यू किए जाते हैं, यानी कि एक के बाद एक, तो वो किस तरह से होंगे? तो दोस्तों आंसर इसका DBAC, यानी कि दोस्तों सबसे पहले आएगा इसमें डी, यानी कि प्राय विद्युत सिग्नल से ऑप्टिकल सिग्नल का निर्माण करना चाहिए, फिर इसके बाद में दोस्तों सिग्नल को फाइबर में रिले करना चाहिए, फिर इसके बाद में दोस्तों ऑप्टिकल सिग्नल प्राप्त करना चाहिए, फिर इसके बाद में होगा दोस्तों सी, यानी कि विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करना। यानी कि इन चारों प्रक्रिया के अनुसार ही फाइबर ऑप्टिक संचार की प्रक्रिया को संपूर्ण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें निम्न में से किस ब्रेकडाउन में आयनीकरण की घटना इलेक्ट्रॉनों की टक्कर के कारण होती है? तो दोस्तों आंसर है एवलांच ब्रेकडाउन, यानी कि दोस्तों जो एवलांच ब्रेकडाउन होता है उसमें आयनीकरण की जो घटना है वह एक इलेक्ट्रॉनों की टक्कर के कारण होती है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें निम्न कोड का आउटपुट क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पे जो है इस तरह से कोड दिया हुआ है, तो इसका जो आउटपुट है वो क्या होगा? तो दोस्तों इसमें जो आंसर है वो दिया गया है डी, यानी कि इस तरह से उसका जो आउटपुट है वो होगा। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उस भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली का प्रचलित नाम क्या है जो भारत और इसके आसपास के क्षेत्र में सटीक वास्तविक समय स्थिति और समय सेवाएं प्रदान करने वाली एक स्वायत्त क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है? तो दोस्तों आंसर है नाविक, यानी कि दोस्तों जो नाविक नेविगेशन प्रणाली है उसके द्वारा ही भारत के सभी क्षेत्रों में जो है समय स्थिति और जो समय सेवाएं हैं वो एक साथ प्रदान की जाती है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आयुषी ने इलेक्ट्रिशियन से शिकायत की कि उसके कमरे के कूलर की गति अधिकतम रखने के बाद भी वह बहुत धीमी गति से चल रहा है, तो कूलर में आई खराबी का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रिशियन निम्न में से किस माप यंत्र का उपयोग कर सकता है? तो दोस्तों आंसर है मल्टीमीटर, यानी कि दोस्तों उस कूलर की गति को ज्ञात करने के लिए मल्टीमीटर का इसमें प्रयोग किया जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए परिपथ आरेख में निम्न में से किसे दर्शाया गया है? तो दोस्तों आंसर है बैंड पास फिल्टर, यानी कि दोस्तों इस आरेख में जो है बैंड पास फिल्टर को दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक अर्ध तरंग डायोड दिष्टकारी में 20 ओम के अगर प्रतिरोध वाले एक डायोड का उपयोग किया गया है, यदि बाहर प्रतिरोध का मान भी 20 ओम है तो वोल्टेज नियमन यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन कितना होगा? तो दोस्तों वो होगा 100%, यानी कि 100%। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राहुल के पास 1, 3, 4 के मूल्य वर्ग के अनंत सिक्के हैं, तो यह मानते हुए कि सिक्कों का क्रम महत्वपूर्ण नहीं है तो इन सिक्कों का उपयोग करके ऐसे कितने समूह बनाए जा सकते हैं जिनका कुल योग 7 हो? तो दोस्तों आंसर आएगा 5। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पहले मानव रहित गगनयान मिशन के लिए निर्मित हाफ ह्यूमनॉइड के प्रोटोटाइप का नाम क्या है? तो दोस्तों आंसर है व्योम मित्र, यानी कि दोस्तों जो पहला मानव रहित गगनयान मिशन था उसका जो निर्मित हाफ ह्यूमनॉइड जो प्रोटोटाइप था उसका जो नाम है वो व्योम मित्र रखा गया था। तो दोस्तों ये टेक्निकल का पार्ट था। अब दोस्तों इसका जो अगला पार्ट है जिसमें दोस्तों जैसे जनरल नॉलेज है, रीजनिंग है, मैथ है, जैसे अंग्रेजी के कुछ क्वेश्चन है और हिंदी के क्वेश्चन जो है इसमें आएंगे। इसके अलावा दोस्तों जैसे कुछ क्वेश्चन जैसे कंप्यूटर के हैं वो भी आने वाले हैं। तो दोस्तों इस पार्ट का जो पहला क्वेश्चन है वो होगा, दिसंबर 2019 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मनाली से लद्दाख को जोड़ने वाले रोहतांग दर्रे को कौन सा नया नाम दिया गया है? तो दोस्तों आंसर है अटल सुरंग। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें निम्नलिखित में से किस टीम ने विजय हजारे चैंपियंस 2019-20 में जीत हासिल की थी? तो दोस्तों आंसर है कर्नाटक, यानी कि दोस्तों कर्नाटक जो टीम है उसने विजय हजारे चैंपियंस ट्रॉफी थी जो 2019-20 की उसमें जीत हासिल की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 2019 में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया था? तो दोस्तों आंसर है 25 अक्टूबर को, यानी कि दोस्तों भारत में 2019 में 25 अक्टूबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को चाय उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है? तो दोस्तों आंसर है छत्तीसगढ़, यानी कि दोस्तों असम, केरल और पश्चिम बंगाल में चाय का उत्पादन किया जाता है लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से किस हिंदुस्तानी संगीत घराने को व्यापक रूप से सबसे पुराना घराना माना जाता है? तो दोस्तों आंसर है ग्वालियर घराना, यानी कि दोस्तों ये जो चारों घराने हैं वो संगीत से जुड़े हुए हैं लेकिन इनमें सबसे पुराना जो घराना है वह ग्वालियर घराना है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में इनमें से किस राज्य में चंदन की लकड़ियों के वितरण और उत्पादन में प्रयुक्त क्षेत्रफल सर्वाधिक है?
तो दोस्तों आंसर है कर्नाटक। यानी कि दोस्तों जो चंदन की जो लकड़ी होती है उसका जो वितरण और जो उत्पादन है उसमें कर्नाटक सर्वप्रथम स्थान पर है, यानी कि पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोलार सोने की खदानें कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों आंसर है कर्नाटक। यानी कि दोस्तों जो कोलार नामक सोने की खदानें यानी कि जो खाने हैं वह कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों आंसर है जयपुर में। यानी कि दोस्तों जो सवाई मानसिंह स्टेडियम है वो जयपुर में है, और दोस्तों जो जयपुर के राजा थे सवाई मानसिंह उनके नाम पर इसका जो नाम है वो रखा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? तो दोस्तों आंसर है 1929। यानी कि दोस्तों जब 1929 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो दोस्तों आंसर है राजस्थान में। यानी कि दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है यानी कि जो पक्षी अभ्यारण्य है वह राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार 6000 न्यूटन है तो चंद्रमा की सतह पर इसका भार कितना होगा? तो दोस्तों आंसर है 1000 न्यूटन। यानी कि दोस्तों पृथ्वी पर चंद्रमा के मुकाबले जो वस्तु होती है उसका जो भार है वो 6 गुना होता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1250 वाट के एक इलेक्ट्रिक आयरन को प्रतिदिन 3 घंटे उपयोग किया जाता है, तो इलेक्ट्रिक आयरन द्वारा एक दिन में खपत की जाने वाली ऊर्जा की इकाई क्या होगी? तो दोस्तों आंसर है 3.75 यूनिट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी वस्तु को फोकस दूरी यानी कि F1 वाले उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखा जाना चाहिए ताकि वस्तु के समान आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो सके? तो दोस्तों आंसर आएगा 2F1 पर उस वस्तु को रखा जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 100 ओम है तो दोस्तों 20 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा कर्षित करती है? तो दोस्तों आंसर है 2.2 एम्पियर। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हथेली पर रखने पर पिघल जाती है? तो दोस्तों आंसर है गैलियम। यानी कि दोस्तों गैलियम एक ऐसी धातु होती है जो हथेली पर रखने पर क्या हो जाती है? पिघल जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में 7 तत्व होते हैं? तो दोस्तों आंसर है 1। यानी कि दोस्तों जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसके 1 नंबर के जो समूह है उसमें 7 तत्व होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें यदि किसी लवण का पीएच मान 12 है तो यह कैसा लवण है? तो दोस्तों आंसर है दुर्बल अम्ल और प्रबल सार। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेंडल ने F1 पौधों से F2 संतति किसके द्वारा प्राप्त की थी? तो दोस्तों आंसर है स्व परागकण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें विषाणु जनित संक्रमण में एक कोशिका द्वारा उत्पन्न पदार्थ है जो अन्य कोशिकाओं को संक्रमित होने से बचा सकता है? तो दोस्तों आंसर आएगा इंटरफेरोन। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पेट्रोलियम उत्पादों से सल्फर निष्कर्षित करना क्यों आवश्यक होता है? तो दोस्तों आंसर है निकलने वाले धुएं में सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए इसका जो है उसमें प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी संख्या में 1/2 जोड़ने पर योगफल 1/3 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए? तो दोस्तों आंसर है -1/6। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है तो छोटी संख्या के 3 गुने को दूसरी संख्या के 1.5 गुने में जोड़ने पर योगफल 180 प्राप्त होता है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए? तो दोस्तों इसमें जो छोटी संख्या है वो 32 आएगी। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प x2 - y2 + 12y - 36 के सही गुणनखंड को दर्शाता है? तो दोस्तों आंसर है कोष्टक x + y - 6 कोष्टक x - y + 6। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी संख्या को y के आधे में जोड़ने पर योगफल 51 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए? तो दोस्तों आंसर है 34। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोण वृत्त कोण है? तो दोस्तों आंसर है 275 डिग्री। यानी कि दोस्तों 275 डिग्री का जो कोण होता है वह एक वृत्त कोण होता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है तो AB बराबर 3 सेंटीमीटर और BC बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो BD बिंदु B से AC पर खींचा गया लंब है तो AC को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करता है, तो BD की लंबाई ज्ञात कीजिए? तो दोस्तों BD की जो लंबाई है वो 2.4 सेंटीमीटर होगी। तो दोस्तों ये जो आंसर की है वो जयपुर मेट्रो की तरफ से जारी की गई है, और दोस्तों इन आंसरों को जो है फाइनली तौर पर एकदम राइट माना गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, O एक वृत्त का केंद्र है और AB और C इसकी परिधि पर स्थित ऐसे बिंदु है कि C दीर्घ वृत्तखंड AB पर स्थित है, गैर वृत्त कोण AOB बराबर 50 डिग्री है, तो कोण ACB का माप ज्ञात कीजिए? तो दोस्तों आंसर आएगा 25 डिग्री। वहीं अगला क्वेश्चन है, किसी खोखले बेलनाकार पाइप की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो इसका आंतरिक व्यास 6 सेंटीमीटर है और इसका बाह्य व्यास 8 सेंटीमीटर है, तो पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए? तो दोस्तों आंसर आएगा 154 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो घनाकार दोष रहित पासे फेंके जाते हैं जिनमें से प्रत्येक के फलकों पर 1 से 6 तक अंक लिखे हुए हैं, तो शीर्ष पर आने वाले दोनों फलकों पर मौजूद अंकों का गुणनफल 12 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए? तो दोस्तों आंसर आएगा 1/9। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 150 मीटर ऊंची एक इमारत के शीर्ष से दूसरी इमारत के पाद बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो उसी बिंदु से दूसरी इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है,
दूसरी इमारत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आंसर आएगा 150 कोष्टक रूट 3+1 कोष्टक एम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक प्रोजेक्ट में शिक्षक ने बच्चों को लेख लिखने के साथ साथ चित्र बनाने को कहा, तो कुछ बच्चों ने केवल चित्र बनाए और कुछ ने केवल लेख लिखे। तो कुछ बच्चे बीमार थे इसलिए वे दोनों में से कुछ भी नहीं कर सके। शेष बच्चों ने दोनों कार्य के निम्नांकित में से कौन सा वेन आरेख इस स्थिति को सही ढंग से प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों इसमें से कौन सा जो वेन आरेख है वो एकदम राइट होगा, तो दोस्तों वो है बी। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नांकित पाई चार्ट में चार घरेलू वस्तुओं के पुनः विक्रय हेतु मोहन को भुगतान की गई राशि प्रदर्शित की गई है। तो पाई चार्ट का अध्ययन करें और इस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दें। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन है, एयर कंडीशनर, टीवी, कूलर, पंखे, उसे कितने प्रतिशत राशि सर्दियों में न्यूनतम उपयोग होने वाली वस्तुओं को बेचने से प्राप्त हुई। तो दोस्तों आंसर आएगा 80%। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस अक्षर का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो दोस्तों आएगा यहाँ पे जी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी कूट भाषा में ई को पी लिखा जाता है, ए को वी लिखा जाता है, आई को एम लिखा जाता है और यू को टी लिखा जाता है और ओ को यू लिखा जाता है, तो अंग्रेजी स्वरों को क्रम में लिखिए। तो दोस्तों आएगा वी पी एम यू टी। अब अगला क्वेश्चन है, निशांत अपनी माँ से मिलने उनके गाँव गया था। वह अपनी माँ की माँ और अपनी बहन के पिता से मिला, तो उसकी माँ की माँ उसकी बहन के पिता से क्या संबंध है। तो दोस्तों आंसर है सास। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन YouTube का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो दोस्तों इसका आंसर है, यह एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है जहां लोग वीडियो साझा कर सकते हैं और उन्हें पसंद कर सकते हैं और उन पर टिप्पणियां भी कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, एकदम राइट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, MS Word 2019 में डिफॉल्ट पेज मूवमेंट होती है। तो दोस्तों आंसर है ऊर्ध्वाधर। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन CPU पर निष्पादित करने के लिए तैयार कतार से अगली प्रक्रिया का चयन करता है। तो दोस्तों आंसर है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिग डेटा के 3 V हैं। तो दोस्तों आंसर है वॉल्यूम, वेराइटी और वेलोसिटी। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेमाफोर की गणना के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों आंसर है, इनका मान कुछ भी हो सकता है। अब दोस्तों जो अंग्रेजी का पार्ट है वो शुरू हो चुका है। तो दोस्तों इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, आंसर है दोस्तों इन और टू, यानी कि व्हीकल्स लेफ्ट इन द नो पार्किंग जोन आर ससेप्टेबल टू थेफ्ट। ये क्या है, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो दोस्तों यहाँ पे अपन को क्या करना है, खाली जगह को भरना है। तो दोस्तों आंसर आएगा यू और माइन, यानी कि इज दिस द बुक यू फाउंड ऑन द बेंच, इट इज माइन, आई फॉरगॉट टू पिक इट अप। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो दोस्तों क्वेश्चन है, आई एम गोइंग टू कंडक्ट म्यूजिक क्लासेज फॉर किड्स इन द इवनिंग। तो दोस्तों आंसर है, म्यूजिक क्लासेज फॉर किड्स आर गोइंग टू बी कंडक्टेड बाय मी इन द इवनिंग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। तो दोस्तों क्वेश्चन है, रमेश सेड टू रागिनी आई लाइक योर पेंटिंग्स। तो दोस्तों आंसर है, रमेश टोल्ड रागिनी दैट ही लाइक्ड हर पेंटिंग्स। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर गिवन एज ऑप्शंस, आइडेंटिफाई द पार्ट दैट हैज एन एरर। तो दोस्तों क्वेश्चन है, द एनहेंस पेनल्टीज फॉर ट्रैफिक वॉयलेशंस विल बी इम्प्लीमेंटेड सून। तो दोस्तों आंसर है द एनहेंस पेनल्टीज। अब दोस्तों इसका जो हिंदी का पार्ट है वो शुरू हो चुका है। तो दोस्तों इसका जो पहला क्वेश्चन है वो होगा, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों आंसर आएगा अर्ध तृतीय। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सही विलोम युग्म का चयन कीजिए। तो दोस्तों आंसर आएगा परवर्ती और निर्वर्ती। ये क्या है, सही विलोम शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से स्वर्ण शब्द के लिए उचित पर्यायवाची का चयन कीजिए। तो दोस्तों आंसर आएगा हाटक, यानी कि दोस्तों जो स्वर्ण है उसका जो सही पर्यायवाची है वो हाटक है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लिंग किस भाषा का शब्द है। तो दोस्तों आंसर है संस्कृत भाषा का। अब दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है, अंगूठा चूमना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है, सही विकल्प का चयन करिए। तो दोस्तों आंसर आएगा चापलूसी करना, यानी कि दोस्तों अंगूठा चूमना मुहावरे का जो अर्थ है वो चापलूसी करना है। तो दोस्तों ये थी JMRC जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स की फाइनल आंसर की। और दोस्तों इसके बाद में जो है अब कोई फाइनल आंसर की जारी नहीं होगी इसकी, यानी कि इसका जो है रिजल्ट जारी कर दिया गया है और इसकी जो फाइनल आंसर की है वो भी जारी कर दी गई है। अब दोस्तों जो JMRC जूनियर इंजीनियर सिविल की जो फाइनल आंसर की है वो जारी करेगी और उसका जो रिजल्ट है वो भी जल्दी जारी कर देगी। इसके अलावा दोस्तों जो मेंटेनर के जो रिजल्ट है वो भी जारी होने वाले हैं। तो दोस्तों उम्मीद है ये जो वीडियो है वो आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।